प्यारे बच्चों, आप सभी कांस क्लासेज में स्वागत है। मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आप सभी को क्लास 12th का वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताएंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स कैसे निकाला जाता है और इसी के आधार पर गॉस का प्रमेय होता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए, हम देखे हैं कि वैद्युत फ्लक्स जो है करें किसी सतह से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए, क्या लिखे हैं, किसी सतह से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया गया है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। कहने को आइए देखते हैं, एक पृष्ठ लेते हैं थोड़ा, यह निमित्ताकार का है। ये आपकी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से आपकी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। यह आपकी ई की डायरेक्शन है और ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल क्या है, एस है। मान लेते हैं इसमें कोई छोटा सा क्षेत्र लेते हैं, ये हमारा एक छोटा सा क्षेत्र हो गया। इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि क्या है, डीएस है, डीएस। अब देखिए इसमें आपकी ये ई की डायरेक्शन है और यह क्या होगा आपका, यह आपका एस का डायरेक्शन होगा। मान सकते हैं इधर मान लें, इस कोण पे मान लें कि क्या होगा, यह डीएस होगा। इस प्रकार से हमको निकालना हो तो सीधे निकालेंगे क्या, कि हमारा फाई ई जो होगा, फाई ई जो होता है, यह हमारा अगर पूरे पृष्ठ के लेंगे तो हमारा एस आ जाएगा, छोटे से पृष्ठ के लेंगे तो डीएस देकर किया जाता है। तो माना पृष्ठ को हम लेंगे फाई ई जो होगा, ये समाकलन होता है किसके पक्ष में लेते हैं, ये हमारे पूरे एस के पक्ष में होता है और ये हमारा होता है ई इंटू डीएस होता है। क्यों, छोटे से पृष्ठ के लिए, अगर पूरे पृष्ठ के लिए जाता है तो देखते हैं कि फाई ई जो होगा ये आप एस के पक्ष में E into ds, और इसमें क्या कर देंगे, इसमें cos थीटा ले लेंगे। अब पढ़े होंगे क्लास 11th में लेक्चर में, जब डॉट कटाते हैं तो क्या करते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, फाइ ई समाकलन है, इसके क्षेत्रफल देकर किए हैं, E ds cos थीटा हो गया। इसमें एक बात ये भी है, ये मान लेते हैं कि छोटे से पृष्ठ के लिए ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको करना क्या है कि पूरे पृष्ठ के लिए लेना, पूरे पृष्ठ के लिए लेना हो हम क्या करें, पूरे पृष्ठ के लिए लेकर करेंगे। उसमें इस प्रकार से हमारा निकल कर आता है क्या कि फाई ई जो होगी, फाई ई जो होगा इसमें से ई आपका बाहर हो जाएगा और यह आपका बचेगा क्या, डी एक्स कॉस थीटा। इसमें से चाहिए तो हम कॉस थीटा को भी बाहर कर सकते हैं, जैसे कि ई कॉस थीटा बाहर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यह डी एक्स हो जाएगा। और ये छोटे क्षेत्र जब पूरे क्षेत्र के लिखेंगे तो लिखेंगे कि फाई नेट लिख सकते हैं, यानी कि फाई नेट जो हमारा होगा ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन इसमें एक चीज ये है, इधर इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट हमको इसमें यही याद रखना है कि हमारा वैद्युत फ्लक्स जो होगा, यह वैद्युत फ्लक्स सीधे सीधे याद रखना है कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है यह फाई ई जो होगा यह आपका ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, क्या होगा, ई एस कॉस थीटा। अब इसमें आपको ये देखना है अलग अलग क्षेत्र को कैसे, किस प्रकार, किस कोण पर रखेंगे। इसकी पहली स्थिति आती है, फर्स्ट नंबर अगर हम देखते हैं, यदि कोई पृष्ठ जो है, अगर कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ को इस प्रकार से रखा गया है कि उसमें आपने थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री का, कहने का मतलब देखिए थोड़ा मिटाते हैं इसको। अच्छा सर, जैसे हम इसमें क्या करते हैं, एक पृष्ठ लेते हैं, यह हमारा पृष्ठ है इस प्रकार से, यह हमारा पृष्ठ हो गया और यह आपकी क्या हो जाएगी, वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी, ये हमारी क्या हो गई, वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से क्या है, वैद्युत बल, इसकी डायरेक्शन ये है और इसका क्षेत्र क्या है, एस है,
देखिए इसके अगर दिशा सदिश में लेंगे तो ये भी क्या होगा, एस होगा। अर्थात ई और एस के बीच का जो कोण बनेगा वो थीटा आपका कितने डिग्री का, 0 डिग्री का बनेगा। इस दशा में यदि हम निकालेंगे तो हमारा फाइ ई जो होगा ये हमारा हो जाएगा ई इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री, हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। निकालेंगे तो हमारा फाइ ई जो होगा यह ई इंटू एस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा। इसको लिखा जा सकता है इस दशा में phi e जो होता है क्या होता है, मैक्सिमम होता है into s। कब? जब s और e के बीच 0 डिग्री का कोण बनता हो तब। अर्थात इस दशा में आपकी विद्युत फ्लक्स सबसे ज्यादा होगी। दूसरी स्थिति क्या करती है, सेकेंड नंबर स्थिति आता है, यदि पृष्ठ आपका जो है इस प्रकार से है और ये हमारी क्या है, वैद्युत बल रेखा है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, वैद्युत बल रेखा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे ई का जो डायरेक्शन जो है इधर है, ई की डायरेक्शन ये है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल हम लेंगे, अगर क्षेत्रफल से लेंगे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। ये बताइए इधर होगा और दोनों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अर्थात यदि थीटा बराबर आपका 90 डिग्री हो गया, इस दशा में कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं होता है। कैसे निकालेंगे, अभी हम जानते हैं कि फाई ई जो होता है यह ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर हम इसमें लेते हैं तो फाई ई जो हो जाएगा ई इंटू एस इंटू क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री, और cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। इससे phi e जो होगा ये हमारे कितने के बराबर, 0 के बराबर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पृष्ठ सदिश जो है अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो इस दशा में इसमें कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। तीसरी स्थिति क्या कहती है, थर्ड नंबर ये कहता है कि जब किसी पृष्ठ को किसी कोण पर रखा गया, क्या क्या गया हो, किसी कोण पर रखा गया, हमारी है आपके वैद्युत बल रेखा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ई की डायरेक्शन, और यहां से हमारा क्या है, ये हमारा एस की डायरेक्शन, और इनके बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, यह थीटा, ये कोई निश्चित नहीं है। इस दशा में यदि हम लेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा होगा, और इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसके मान निकालते हैं। अब ये कोई निश्चित नहीं कि कितने अंश के कोण पर है, जब रखेंगे उस हिसाब से तो हल करें और ज्ञात करें। आपको क्या रखना है कि जब थीटा का मान 0 डिग्री हो उस समय आपका वैद्युत फ्लक्स जो होगा सबसे ज्यादा होगा, जब थीटा का मान आपका 90 डिग्री हो उस दशा में आपका वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो शून्य होगा, तब कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। तीसरी स्थिति क्या है कि जब थीटा कोण पर रखा गया, ठीक है, उस समय हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई जो होगा वह ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। आइए थोड़ा और देखते हैं कुछ, अब थोड़ा देखेंगे कि हमारा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, अभी हम देखे थे क्या कि कैसे कितने अंश के कोण पर रखेंगे तो कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। अब थोड़ा मात्रक निकाल के देखेंगे, ये बताइए कि फाई ई जो होगा यह ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा, और इसी से हमको मात्रक निकालना है। मात्रक जब निकालेंगे इसका तो देखिए E का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो जैसे मैं आपको बताया होगा कि E जो आपका होता है क्या, E जो होगा A पापान क्यू जीरो या क्यू के बराबर होगा, ठीक है। E जो होगा यह आपका A पापान क्यू जीरो के बराबर होगा, और F का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि इस फाई ई का मात्रक, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक इनटू
इस क्षेत्रफल का माप, क्षेत्रफल मात्र मीटर होता है, इसे निकालेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति, न्यूटन प्रति कूलाम, इसके लिए ई के लिए इनटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर के स्क्वायर। इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या कि न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हमारा किस चीज का मात्रक हो जाएगा, ये हमारा आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। क्या चीज कि न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम। लेकिन एक चीज ये भी आप देखिए, ये क्यू जीरो जो लिखे हैं ठीक है, इसमें हमको थोड़ा केयर करना होगा, अब इसमें थोड़ा इसका बीमा निकाल के हम लोग देखेंगे कि बीमा क्या होता है। और बीमा से पहले एक चीज और याद रखिएगा कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, यह एक आपका अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि होती है, ये बात आपको याद रखना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि होती है ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी का कि वैद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है, क्या निकालना है हमको, बीमा निकालना है। ये बताइए बीमा निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए, मात्रक का मालूम होना चाहिए ठीक है। ये बताइए अभी हम लिखे क्या है, हम लिखे हैं नाम कि फाई ई जो है हमारा ई इंटू एस इंटू, इसे लिखते ई एस कॉस थीटा है, कॉस थीटा से कोई मतलब नहीं, ई आपका जो है ये किसके बराबर होता है, अभी देखिए ई जो होता है अपॉन क्यू जीरो के बराबर। और ये बताइए ये क्यू जीरो जो होता है ये किसके बराबर होता है, दिया आई इंटू टी के बराबर होता है। और इसका जो बीमा आप जाएंगे ए होगा और इसका बीमा क्या होगा, टी होगा, ए टी हो जाएगा। जब हम बल की बात करेंगे तो बताइए एफ जो होता है या एम इंटू ए के क्या होता है, बराबर होता है, और ये आपका एम हो जाएगा। और ये देखिए त्वरण है, इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है आपकी एल टी माइनस टू, जब इसका पूरा बीमा निकालेंगे तो एम एल टी माइनस टू होता है ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, फाइव ई का बीमा, ये बताइए ई का बीमा जो होगा, ई का जो बीमा होगा एफ के बीमा बटे में क्यू का बीमा, और एस का बीमा जो होगा मतलब क्षेत्रफल के बीमा एल के पावर टू हो जाएगा। हम ई की बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, ई का बीमा जब निकालेंगे तो एफ का बीमा बटे में क्यू का बीमा, एफ का बीमा क्या होता है, एफ का बीमा आपका होता है एम एल टी माइनस टू ठीक। उसके बाद क्यू जीरो का बीमा जो होता है क्या होता है, ए और टी होता है। अब देखिए इसमें क्षेत्रफल है तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल के पावर टू हो जाएगा। इसको जब निकालेंगे तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो एम एल के पावर यहाँ पर वन है यहाँ पर टू है, तो एल के पावर कितना, थ्री हो जाएगा। टी के पावर माइनस का टू यहाँ पर है, ये ऊपर जाए तो क्या होगा, एक और जुड़ जाएगा इसमें माइनस का थ्री हो जाएगा, और ए है तो ए के पावर क्या ऊपर जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा वैद्युत फ्लक्स का बीमा होता है, क्या होता है, एम एल के पावर थ्री, टी के पावर माइनस थ्री और ए के पावर माइनस वन होता है ठीक है। आइए थोड़ा देखते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। और एक बात और आपको याद रखना है कि कहीं कहीं आपको पूछ देता है कि बताइए कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, इसका एम के एस में मात्रक क्या होता है, एम के एस में मात्रक भी पूछ देता है, तो आपको याद रखना है कि एम के एस में इसका जो मात्रक होगा वह किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम मीटर का क्यूब प्रति सेकेंड का क्यूब इंटू आपका एम होता है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद रखना है किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति सेकेंड का क्यूब इंटू एम्पियर होता है, ये एम के एस पद्धति का मात्रक होता है ठीक है। आइए थोड़ा देखते हैं गॉस का प्रमेय क्या होता है। देखिए हम देखे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो मतलब एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लें कि यह हमारा क्या है, एक बंद पृष्ठ है ठीक है, मान लेते हैं कि इसका क्या है, सेंटर है। इस प्रकार से यहां मान लेते हैं प्लस क्यू क्या है आपका आवेश, और यहां से
इसके सेंटर से ये दूरी, एक बिंदु यहां पर पी है, ठीक है। इस पी बिंदु पर आप देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। विकास क्या रहा है कि किसी बंद पृष्ठ गुजरने में पूरा बंद पृष्ठ संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश है, इस आवेश का 1/0 गुना होगा। मतलब सीधे से कहने का मतलब इसका यही है कि फाइ ई जो होगा, फाइ ई जो होगा यह आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। यह आवेश आपका है क्यू, ठीक है। इस आवेश क्यू का ही क्या होगा, 1/0 गुना होगा। अब थोड़े इसको निगमन करके देखेंगे कैसे ये प्राप्त होता है, किस प्रकार से ये मिलेगा हमें, आइए थोड़ा देखते हैं। देखिए लिखे है कि माना एक बंद पृष्ठ एस के अंदर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहने का मतलब क्या है, यदि एक हम ये बंद पृष्ठ लेते हैं, क्या लेते हैं, बंद पृष्ठ हो गया, इसका क्षेत्रफल जो है क्या है, एस। मान लेते हैं यहां से और ये हमारा क्या है, इस प्रकार से यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है, ये आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यहां पर क्या है, बिंदु पी है। ये बताइए ई की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। वही कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, जैसे निकालेंगे तो हमारा ई बराबर जो होगा वह होगा 4π ε₀ क्यू बटे में आर का क्या होगा स्क्वायर। कहां पे बिंदु पी की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि बिंदु पी जो होता है चारों तरफ से क्या है, बंद है, क्या है, बिंदु पी आपका जो है वो चारों से क्या है, बंद है। तब हम इसमें क्या करेंगे कि इस छोटे से पृष्ठ के लिए लेंगे, किसके लिए लेंगे, छोटे से पृष्ठ के लिए लेंगे, बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, तो ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब ये कह रहा है कि यह जो क्षेत्र है ये, इसको हम क्या मान लेंगे, ये ds मान लेंगे, ठीक है। जब ds इसको मान लेंगे, इसमें देखिए आपका ये इसमें थीटा बनाएगा, हम करेंगे क्या, इसमें लिखने छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र के लिए क्या लिखते हैं, लिखेंगे कि d phi e बराबर, क्या लिखेंगे, d phi e बराबर e into ds cos theta, छोटे से क्षेत्र के लिए। अगर एक छोटे से क्षेत्र के लिए लेंगे तो क्या लिखेंगे कि d phi e बराबर e into ds cos theta हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यदि हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेते हैं, किसके लिए, लिखेंगे कि इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ लेंगे, यदि हम संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे कि phi e, नाउ तो इधर लिख रहे, लिखेंगे कि phi e जो होगा हमारा, phi e जो होगा इस पूरे का क्या होगा, समाकलन होगा, लेकिन समाकलन e ds cos, ठीक है, क्या लिखेंगे, e ds cos theta। अब देखिए e का मान कितना निकले, 1/4π ε₀ q/r² निकालेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, e का मान रखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा कि phi e जो होगा ये समाकलन होगा किसके, e का मान कितना है, 1/4π ε₀ q बटे में r का स्क्वायर, और क्या है आपका, ये आपका ds cos थीटा है। अब थोड़ा क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे तो phi e जो होगा 1/4π ε₀, ये समाकलन है आपका, ये समाकलन क्या हो जाएगा, ये समाकलन आपका हो जाएगा, यह लिखेंगे q ds cos थीटा
बटे में आर का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम चाहेंगे तो क्यू को बाहर भी कर सकते हैं, अगर क्यू को हम बाहर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइव ई अप हो जाएगा क्यू अपॉन फोर फाइव एफ साइलेंट जीरो, ये समाकलन आपका क्या बचेगा, ये बचेगा डी एस कॉस थीटा बटे में आर का स्क्वायर। जब इतना बच जाएगा तो हम इसमें भी जानते हैं यह क्या है, एक तरह का घन कोण के रूप में होगा, ये क्या होगा एक घन कोण के रूप में होगा। जब घन कोण के रूप में होगा तो हम इसको डी ओमेगा के तौर पे लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या कि फाई ई जो होगा यह क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए ये जो लिखा है यह आपके क्या होगा, यह आपका डी ओमेगा, और जब पूरे पृष्ठ के लिए लेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, इसको क्या लिखेंगे, यह हमारा जो डी ओमेगा जो होगा, यह डी ओमेगा जो होगा यह हमारा फोर पाई में क्या होता है बराबर होता है, ठीक है याद रखिएगा डी ओमेगा, या इसको हम लिख देंगे कि डी ओमेगा अगर संपूर्ण पृष्ठ के तो ओमेगा के रूप में, तो ओमेगा जो होता है फोर पाई के क्या होता है बराबर होते हैं, इसलिए लिख सकते हैं ओमेगा। तो फाइव ई बराबर ये क्यू बटे में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और ओमेगा कितने के बराबर फोर पाई के क्या होता है बराबर होते हैं, इसको कटा देंगे तो हमारा निकल कर आएगा कि फाइव ई जो होगा ये क्यू बटे में एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा, निकल कर आता, ठीक है। इस तरह से हमारा यह आपका गॉस का प्रमेय सिद्ध हुआ कि किस प्रकार से जो आपका वैद्युत फ्लक्स जो होता है यह आवेश और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। जैसा हमने इसका डिस्कशन लिखा था कि किसी बंद पृष्ठ को गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश आवेश का वाला पान एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, इस तरह से सिद्ध करके इसको ला दिए, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि डी ओमेगा जो ओमेगा के बराबर ओमेगा जो होता है क्या होता है फोर पाई के बराबर, इस प्रकार से गॉस का प्रमेय सिद्ध हुआ। अब इसका अनुप्रयोग नेक्स्ट वीडियो